नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और जवानों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आपको बता दें कि कल जो हीरिंग हुई उसके बाद काफ़ी जो है समस्याएं आ गई हैं, क्योंकि कल MSP के पर जो आगे की तारीख दी उससे हमारे पेंशनर्स जवान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि फाइनल स्टेज पर ये केस चल रहा है। और जब केस फाइनल स्टेज पर होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि हर एक पेंशन धारक की जो निगाहें हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी कि जल्द से जल्द फैसला आएगा, लेकिन उसमें फैसला नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या सरकार की इस पूरे मामले के पीछे सियासत थी, वो हम आपको वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर से देखें, और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपडेट पर। तो आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी ये जजमेंट है, जिसमें आप वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड ओआरएस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR जो यहाँ पर एडवोकेट थे वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जजमेंट क्या रहा, जस्टिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, संजीव सचदेवा, ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन, ये जो हैं जस्टिस थे। और ऑर्डर क्या जारी किया गया है वो देख सकते हैं। लैंड काउंसिल अपीयरिंग कोरिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट पेटिशनर हैज फाइल्ड एन एडिशनल एफिडेविट एंड दे विश टू फाइल अ रिस्पॉन्स थ्रेट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो याचिका करता है उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट जो है ऐड किया है, और इसके लिए उन्हें जो है इसे दाखिल अगर वो कराना चाहते हैं तो उन्हें ये सेम फाइल करना पड़ेगा बिफोर नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई से पहले, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 की सुनवाई जो है 3:30 बजे शाम को होगी, ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। और इससे पहले जो है ये एडिशनल एफिडेविट अगर आप दाखिल करवाना चाहते हैं तो उसका समय दिया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर किसी कारणवश जो है लेट किया जाता है जजमेंट, या फिर कोई एफिडेविट एडिशनल है या किसी एफिडेविट की कमी है, तो 2 दिन 4 दिन या 1 वीक के बाद भी दोबारा हियरिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे जो है लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय लिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सरकार सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग कार्य अब इसमें कर रही है, जो कि सब जवानों के हक में स्ट्रोंग है उसे वीक करने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।